ओम शांति। आज आप सभी भाई बहनों को प्रभु प्रसाद चैनल में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है कि शिव और शक्ति की मिलन की रात है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त बहुत श्रद्धा से, भक्ति से, प्यार से शिव भोलानाथ का आराधना करते, पूजा और उपासना करते हैं। विशेष करके उस दिन शिव के मंदिर में जाते हैं और शिव का पूजा और दर्शन करके आते हैं। शिव पूजा में दूध, सब प्रकार के फूल, बेलपत्र, दतूरा आदि फूलों से करते हैं और शिवलिंग के सामने नंदी होता है। नंदी के सिंग पर हाथ रखकर शिव का दर्शन करना यह श्रेष्ठ मानते हैं। शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और जागरण करते हैं और पंचाक्षरी मंत्र, षडक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, महाशिवरात्रि को शिव जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जयंती माना शिव का अवतरण। कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट, अज्ञान अंधेर विनाश, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में शिव परमात्मा परकाय प्रवेश करते हैं। परकाय माना दूसरे की काया, क्योंकि शिव परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, यानी शिव परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। वे अजन्मा, अकाया, अभोक्ता, अयोनिजा और अव्यक्त होने के कारण परकाय प्रवेश करते हैं, यानी दादा लेखराज जो हीरों के जवाहरी थे, डायमंड मर्चेंट थे, विष्णु भक्त थे, 12 गुरु किए हुए थे, उनके अनुभवी वृद्ध तन में परमात्मा शिव प्रवेश करके उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उनके द्वारा यह आध्यात्मिक रूहानी ज्ञान देते हैं, इसलिए शिव जयंती कहा जाता है। परमात्मा शिव निराकार होने के कारण उनकी पूजा शिव लिंग के रूप में होती है। शिव लिंग पर 3 विभूति के लकीर और बीच में कुमकुम का बिंदी लगाते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा त्रिमूर्तियों के रचयिता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता होने के कारण अंग्रेजी में शिव परमात्मा को गॉड कहते हैं। गॉड माना जी, ओ डी, जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रक्टर। स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराने के कारण शिव को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। कहा जाता है, ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः और शिव परमात्माय नमः। माना त्रिमूर्तियां देवताएं हैं, शिव परमात्मा है, यानी शिव अलग है, शंकर अलग है, शिव परमात्मा तीनों कालों को जानने वाला, तीनों लोकों के नाथ होने के कारण शिव परमात्मा को त्रिपुरारी भी कहते हैं। आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने कारण त्रिनेत्री कहते हैं। सब प्रकार के फूल शिव को अर्पण करते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव विश्व की सर्व आत्माओं और सर्व
धर्म पिताओं के भी परम पिता है, यह इसका प्रतीक है। ततुरा भी चढ़ाते हैं, क्योंकि विकारों रूपी कांटों के समान अवगुणों को मिठाने वाला है, इसलिए शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं। शिवलिंग पर दूध इसलिए चढ़ाते हैं कि परमात्मा शिव ज्ञान रूपी अमृत पिलाने वाला है। शिवरात्रि के दिन पंचाक्षरी मंत्र या षडक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। पंचाक्षरी मंत्र माना नमः शिवाय और षडक्षरी मंत्र माना ओम नमः शिवाय। इसके अर्थ स्वरूप में स्थित होने से, यानी आत्म स्वरूप में स्थित होने से, परमात्मा की स्मृति करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप नाश होते हैं। शिवरात्रि के दिन भक्ति मार्ग में भक्त उपवास रखते हैं। उपवास में दूध और फल का सेवन करते हैं। ज्ञान मार्ग में उपवास का भावार्थ है जैसे भूमि धरती के समीप चंद्र है, इसलिए जिसको उपग्रह कहते हैं। ऐसे उप माना समीप रहना। हम आत्माएं शिव परमात्मा की याद में अपने मन को समीप रखना ही उपवास है और शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करना ही उपवास है। जागरण का भावार्थ सिर्फ नींद न करना नहीं है। मनुष्यात्माएं रात को ही विकारी बनते हैं, इसलिए निर्विकारी बनने का दिन यह जागरण है, यानी अपने अच्छे गुणों को पांच विकारों रूपी चोर लूट न ले, इसकी जागृति मिला हुआ दिन माना पवित्र जीवन बिताने का दिन है। यानी पांच विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से जागृत रहना ही सच्चा जागरण है। कहा जाता है सूर्य कोटि समप्रभा, ज्ञान सूर्य परमात्मा का जब अवतरण होता है तो मनुष्य आत्माओं का अज्ञान मिट जाता है। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, यानी ज्ञान से जीवन में प्रकाश, प्रगति और प्राप्ति होती है। परमात्मा का नाम सदा शिव है, क्योंकि परमात्मा सदा कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी है। परमात्मा शिव सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, सर्व ज्ञाता, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप सर्व माननीय है। तो आइए अपने आप को जानने, परम पिता परमात्मा शिव का सच्चा परिचय जानने, अपना जन्म सिद्ध अधिकार पवित्रता, सुख शांति का अविनाशी वर्षा पाने, परमात्मा शिव के शिव जयंती मनाने अपने समीप के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट में विजिट करें। अच्छा, हमारे सभी आत्मिक रूहानी भाई बहनों को महाशिवरात्रि और शिव जयंती की शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।